हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आज रेसलमेनिया 37 का नाइट 1 कंप्लीट हो गया है और कल है रेसलमेनिया 37 का नाइट 2, जिसमें और भी बड़े और इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन सभी मैचेस के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कल का रेसलमेनिया कितने बजे देगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेमस और मैट रिडल के मैच के बारे में, जो कि हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और शेमस ने अली को बोला था मंडे नाइट रॉ में कि वो उनकी मदद करे मैट रिडल को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीतने में। इसलिए अगर रेसलमेनिया 37 में अली ने शेमस की मदद की तो शेमस रेसलमेनिया 37 में मैट को हराकर नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन सकते हैं, वरना मैट रिडल उनका टाइटल रिटेन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या केल्टिक वॉरियर शेमस द अल्टीमेट ब्रो मैट रिडल को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रेसलमेनिया 37 में बन पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आस्का पिछले साल दो बार रॉ वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं और आस्का ने रॉ का वुमेन्स डिवीजन भी संभाला है बेकी लिंच और शार्लेट फेयर के जाने के बाद, और वो पिछले साल डबल चैंपियन भी बन गई थी। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत तगड़ी अपोनेंट रिया रिप्ले है और रूमर्स ये है कि बेकी लिंच रेसलमेनिया 37 में इस मैच के बाद जो भी जीतेंगी उनसे फेस ऑफ करने आ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच में आस्का जीतकर उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी और फिर बेकी लिंच, जो कि उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप हारी नहीं थी, वो रिटर्न आ सकती हैं आस्का से फेस ऑफ करने के लिए कल रेसलमेनिया 37 में या फिर रेसलमेनिया के बाद वाले मंडे नाइट रॉ में। दोस्तों, बिगी ने इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ये बोल दिया है कि अपोलो उनके होम टाउन यानी कि टैंपा फ्लोरिडा में उन्हें हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बन पाएंगे। और बिगी और अपोलो क्रूज का मैच एक नाइजेरियन ड्रम फाइट मैच है और अगर अपोलो ने किसी तरह चीटिंग कर दिया तो वो जीतकर नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। और रेसलमेनिया 37 में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के मैच में ओवेंस के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। और क्योंकि रेसलमेनिया के नाइट 1 में नेटालिया और तमीना ने टैग टीम टर्मोइल मैच जीत लिया है, इसलिए कर रेसलमेनिया 37 में वो फेस करेंगी नाया जैक्स और शाइना बेजर की टीम को वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में। और मुझे लगता है कि नाया और शाइना उनका टाइटल हार जाएंगी नेटालिया और तमीना की टैग टीम से। दोस्तों, द फिन ब्रे वाइट के रिटर्न आने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि उन्हें रैंडी ऑर्टन को डिस्ट्रॉय करके उनसे बदला लेना है। और जब इन दोनों का रेसलमेनिया 37 में मैच होगा तो ऑर्टन और फिन एक दूसरे की बुरी हालत करने वाले हैं। पर मेरे हिसाब से इस मैच में द फिन ब्रे वाइट जीत जाएंगे द वाइपर रैंडी ऑर्टन को हराकर, क्योंकि ऑर्टन ने फिन को टीएलसी 2020 में हरा दिया था। इसलिए इस बार द फिन के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं रैंडी ऑर्टन से रेसलमेनिया 37 में। तो चलिए देखते हैं कि क्या द फिन ब्रे वाइट इस बार रैंडी ऑर्टन को हराकर उनका बदला द वाइपर से लेते हैं या फिर ऑर्टन फिन को दूसरी बार भी हरा देते हैं। चलिए अब बात करेंगे रेसलमेनिया 37 के नाइट 2 के मेन इवेंट के बारे में, जो कि है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच और वो हो रहा है द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेक्स का द यस मोमेंट के लीडर डैनियल ब्रैन और हॉल ऑफ फेम रेटेड रॉ सुपरस्टार एज के साथ। और बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में सबसे कम चांसेस डैनियल ब्रैन के जीतने के हैं और सबसे ज्यादा चांसेस एज के जीतकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बनने के हैं। पर रोमन रेक्स ने पेबैक 2020 में जब से यूनिवर्सल टाइटल जीता है तब से लेकर अभी तक उन्होंने किसी तरह से उनकी चैंपियनशिप बचाए रखी है। और क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है, इसलिए इस मैच में जेउसो मदद कर सकते हैं रोमन की, क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी किसी की इंटरफेरेंस करने से, इसलिए रोमन भी उनका टाइटल बचा सकते हैं रेसलमेनिया 37 में। वैसे दोस्तों, अब आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि रेसलमेनिया 37 के नाइट 2 में कौन कौन विनर होंगे। और रेसलमेनिया कल यानी कि सोमवार 12 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे से सोनी 10/1 और सोनी 10/3 पर देगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।